देखिए 18-19 को चुकी आम जन की होली थी और उन दो दिनों में लगातार उसके एक दिन पहले होलिका दहन था। पुलिस कर्मियों ने कठिन मेहनत किया है जिसके चलते पूरे जनपद में होली का पर्व बहुत ही अच्छे से मनाया गया। आम लोगों ने एंजॉय किया इस पर्व को। आज यहां पर पुलिस की होली हो रही है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही उत्साह का माहौल है पुलिस कर्मियों में, चूँकि पिछले 4 दिनों की कठिन मेहनत करने के बाद आज एक ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट हुआ है कि ये भी अपने दिल की भड़ा से यहाँ निकाल पा रहे हैं और होली को अच्छे से मना पा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी पुलिस के साथियों को होली की ढेर सारी बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जो शासन प्रशासन की योजनाएँ हैं उसको धरातल पर सही मायने में लागू करेंगे। देखिए, पिछले 72 घंटों से पूरी पुलिस बल और प्रशासन सभी लोग ड्यूटी में थे और होली के त्यौहार और सबे बारात के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया है। चूँकि कल भी हमारे यहाँ कई सारे प्रोग्राम थे, इसलिए आज संडे को पुलिस की होली मनाने का निर्णय लिया गया था।
और अभी सभी थानों में और पुलिस लाइन में सभी अधिकारी कर्मचारी अपने सभी लोगों के साथ मिलकर होली का त्यौहार मना रहे हैं। खुशी का त्यौहार है, उत्साह का त्यौहार है। मैं अपने सभी पुलिसकर्मियों को, साथियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि पूरी एनर्जी ऊर्जा के साथ होली का त्यौहार मनाएं। सबको बहुत बहुत बधाई। सर, इससे पहले भी हमने कई सारी होलियाँ कवर की हैं, लेकिन आप पहले कप्तान हैं जो बिल्कुल अपने जो हमराह हैं उनके साथ मिल रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छा संदेश है। पुलिस विभाग जो है एक परिवार की तरह है, और इस परिवार में त्यौहार के दिन सभी बराबर होते हैं और सभी एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। यहाँ डीएम साहब, हम लोग, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर सब ने मिलकर अपने सभी कर्मचारियों के साथ पूरी परिवार की तरह ही त्यौहार मनाया है, और सबको बहुत बहुत बधाई। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।